चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद, मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा, और प्रीति शर्मा व्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है ईद मेकअप लुक, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अपना जो स्किन केयर है उसको कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ इस ब्यूटी का पर्ल हाईलाइटर है ये, जिससे कि आपका जो फेस है उस पर काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो अगर आप अच्छा मेकअप चाहते हैं या एक शाइनिंग वाला मेकअप लुक चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्ल हाईलाइटर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया कलर बाल का प्राइमर लगा लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, ये है फेसेस कनाडा का फाउंडेशन, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, फुल कवरेज देता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इन सभी प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फाउंडेशन को मैं इस स्विस ब्यूटी का ये जो ब्रश है इसकी हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो ब्रश है उसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन, तो मुझे ब्रश से काफ़ी इजी लगता है। उसके बाद यहाँ पे ये है मेबेलिन का कंसीलर, तो कंसीलर मैंने अंडर आईज एरिया पे और नोज़ के पास और चिन एरिया पर सब जगह मैंने अप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा लुक आ जाता है, पूरा कवर हो जाता है जो हमारा फेस है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको मैं सेट कर लूँगी, यहाँ पे ये है मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। तो यहाँ पे अच्छे से हम सेट कर लेंगे अपने मेकअप को, फाउंडेशन को और कंसीलर को। उसके बाद यहाँ पे ये है अगेन मेबेलिन फिट मी का लूज पाउडर, ये भी काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, काफ़ी अच्छा जो आपका फेस है वो केकी सा नहीं लगता, एक सॉफ्ट लुक आता है। तो लूज पाउडर मैंने अप्लाई कर लिया है ब्रश की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पे ये है स्विस ब्यूटी की अगेन मेरे पास आई शेडो पैलेट, तो इसमें से मैंने लाइट पिंक कलर मैंने लिया है, क्योंकि जो मेरे सूट का कलर है वो मॉव टाइप का है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा लाइट पिंक यहाँ पे मैं बेस लगाऊंगी सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे ब्रश पे अपना जो कलर है दूसरा सूट का कलर वैसा ही मॉव कलर मैंने ले लिया है, और उसको मैं आउटर एरिया पर इसको अप्लाई कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक मॉव लुक क्रिएट हो चुका है, मॉव आई शेडो मॉव कलर आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने ये जो ग्लिटर पिंक कलर है इसको मैं फिंगर की हेल्प से पूरा अपने ये जो मैंने आई शेडो लगाया इसके ऊपर लगा लूँगी, धीरे धीरे पूरा कवर अप करूँगी, जिससे जो आप लोग देखेंगे आपका जो आईज़ का जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, ग्लोई लगने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा लूँगी, मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, और जो फॉल्स लैशेस है वो मैं सबसे लास्ट में लगाने वाली हूँ, तो मस्कारा अप्लाई कर लेंगे, ये है फेसेस कनाडा का मस्कारा। इसके बाद यहाँ पर ये है स्विस ब्यूटी की ब्लशर पैलेट, तो यहाँ पे मैंने ब्लशर लगा लिया है, पिंक शेड मैंने लगाया है, पिंक और रेड को हल्का सा मिक्स करके मैं लगाने वाली हूँ दोनों को। मैं थोड़ा सा मैंने पहले पिंक लगा लिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेड भी लगा लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे ये है रीकोट का काजल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काजल है, पिगमेंटेड है और 24 आवर्स मस्ट प्रूफ है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बोल्ड लुक देता है आइस को। तो मैंने इस काजल लगा लिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये है शुगर का आईलाइनर मैंने अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा मोटा आईलाइनर और विंग के साथ मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद ये है मेरे पास स्विस ब्यूटी की, ये भी आई शेडो पैलेट है, और इसमें ये यहाँ पर हाइलाइटर भी इसमें दिया गया है, तो हाइलाइटर में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने चिन एरिया पे और नोज़ एरिया पे और चिन एरिया और चीक एरिया पे मैंने अप्लाई कर लिया हाइलाइटर। उसके बाद यहाँ पे ये है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं ये लिप लाइनर, स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिप लाइनर हैं, तो लिप लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये लगा लूँगी, ये है मामा अर्थ की बबल गम लिपस्टिक है ये, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसका जो शेड है बबल गम शेड है, तो ये कब लुक आप देख सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक ईद के लिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप लोग भी इसी तरीके से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है मेरा आज का लुक, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।